खरगोन शहर के अंजुमन नगर स्थित एक रहवासी मकान में बुधवार दोपहर अचानक आग लग गई। हादसे के समय घर में केवल महिलाएं थीं। आग बढ़ने पर महिलाएं घर से बाहर भागी और पड़ोसियों से मदद मांगी। रहवासियों ने फायर ब्रिगेड की सूचना देने के साथ ही अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया। करीब आधा घंटे के बाद पहुंचे फायर कर्मियों ने आग पर काबू पाया। मकान मालिक जावेद ने बताया कि उनके दो मंजिला मकान में पहली मंजिल स्थित हाल में आग लगी। शॉर्ट सर्किट के बाद आग सोपे में लगने के बाद पूरे घर में फैल गई। इसमें 1.5 लाख रुपए की कीमत का सामग्री जलकर खाक हो गई है। आग देने में छत पंखा, LED TV, सोफा, बच्चों की साइकिल आदि जले हैं। पुलिस ने भी मौका मुआयना किया है। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। शॉर्ट सर्किट हुआ, उससे अचानक आग लग गई। घर वाले ऊपर कपड़े धो रहे थे, उनको पता नहीं नीचे आए तो बच्चों को लेकर बाहर भाग गए। क्या क्या जला इसमें? इसमें 20,000 रुपए का सोफे जले, 40,000 रुपए का TV जला है, पूरा सोके जला है। 10,000 का घर का सामान वगैरह सब जला। लगभग कितना नुकसान? 1.5 लाख। ये घर के टाइल्स वगैरह ये सब। उस वक्त तो कमरे कोई नहीं था, बच्चे थे तो घर वाले लेके भाग गए। जावेद, 1.5 से 2 लाख रुपए का सब नुकसान। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।